नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष पर दिन दहाड़े फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेडी को जयपुर के मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। बता दें कि उनके सीने में गोली लगी थी, उन पर बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की थी। बता दें कि यह घटना जयपुर के श्याम नगर इलाके की बताई जा रही है। गोगा मेडी की हत्या करने वाले बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे, इसके साथ ही बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जब्त तैनात किया, नाकाबंदी करवा दी गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि बदमाश कौन थे। फिलहाल पुलिस ने अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं अस्पताल के बाहर। खबर यह भी आ रही है कि उनके गनमैन को भी गोली लगी है। बता दें कि तमाम पुलिस अधिकारी अस्पताल में मौजूद है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और नव निर्वाचित विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बता दें कि हत्याकांड को देखकर राजपूत समाज भारी आक्रोश जता रहा है, प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली है। जल्द से जल्द अगर बदमाशों को नहीं पकड़ा गया तो भारी प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।